सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ़ हैं। पाक लाइन की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज़ और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ख़तरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज़, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेम्बर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शहाना टूर के लिए लैंड हुआ। यह सऊदी किंग का पिछले 40 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। यह शहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा 1 बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 787-8 और एयरबस A34-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए हैं। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए यह पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या फिर हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलोग्राम का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे पूरे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लैम्बोजीन और जहाज़ से उतरने के लिए गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि यह लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया, जो किंग के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मज़ीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 37 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया के टूर में अपने ऐशो आराम और शहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड हिट तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने यह सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की थी और इतने कम वक्त में यह कार्गो किंग के साथ इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। किंग के शहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं। उनके जापान के सिर्फ 4 रोज़ा टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लैम्बोजीन कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रहाइश के लिए किंग सलमान के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार्स होटल को तो पूरा ही खाली करवा लिया गया था, उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो अपने साथ 1,000 किलोग्राम खाना भी साथ ही ले गए। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से ले के गए थे।
जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को के शहर में आई तो शहर के दो सबसे बड़े होटल को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनकी भी बुकिंग कैंसिल करवा के किंग सलमान और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके ही दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी में मशहूर फोर सीजन होटल के तमाम 222 के 222 कमरे बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुँचने से पहले ही 4 सीज़न हॉस्टल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से ख़ास गोल्डन सामान मंगवाया गया जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट, स्लैम्स, बेड शीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेयर ट्रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान अपने पांव भी ज़मीन पर ना रखें। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलस गए तो उन्होंने 4 सीज़न होटल के पूरे 285 के 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। ना सिर्फ इतना बल्कि पूरे होटल को रैबिक टेस्ट भी दे दिया गया था। ग्लोब लाइट से लेकर होटल के मेन्यू तक को तब्दील करवा दिया गया था और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपये खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे। ये एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आए हुए टीम के लिए बुक करवाया गया था और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था जब उनके लिए पूरे 3 आयरलैंड बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक पूरी आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के इन 3 आयरलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की इजाज़त भी नहीं थी। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपये खर्च हुए। नाजरीन जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहां 1 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि जिस बीच पर किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच पर सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल किया गया था। उम्मीद है पाक 9 का ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो के मुतल्लिक कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें क्योंकि मैं हर कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।